मिली आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से, सुप्रीम कोर्ट से और उच्चतम न्यायालय से। मैं बस रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जितनी आज़ादी आप थोड़ी सी दी उनमें ट्रांसजेंडर बहुत खुश हैं और हमारी कम्युनिटी वाकई बहुत खुश है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। तो मैं चाहूँगी कि आप ऐसे मौका हर एक सेक्टर में दें। समाज आप लोग महिला और पुरुष से बनता है मिलके, हम इस समाज के हिस्सा हैं, पर आज इतना दिन लग गया इतने आज़ादी को, इतने साल बाद हमारे को ये हिस्सा मिल रहा है, इसके लिए मैं खुश हूँ। तो ठीक, दुख भरी बात है कि 77 साल बाद मुझे ये सपना देखने का हक मिला, देश आज़ादी का। आज हमारे को थोड़ा सा मतलब आज़ादी मिली है, सही मायने में गुरु जी ने बोले कि आज़ादी मिली है। बिहार में दरोगा पद पर बहाली के लिए 1275 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। परिणाम घोषित होने के बाद जो बड़ी खबर निकलकर सामने आई है वो ये है कि इन सफल अभ्यर्थियों में 3 कैंडिडेट ऐसे हैं जो ट्रांसजेंडर हैं, यानी बिहार में पहली बार एक नहीं 3 ट्रांसजेंडर पुलिस सेवा में नियुक्त होने जा रहे हैं। इसके साथ ही बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहाँ दरोगा पद पर 3 ट्रांसजेंडर की बहाली होगी। अब तक सिर्फ केरल में 1 ट्रांसजेंडर सिपाही बना है। बिहार दरोगा में सफल हुए 3 ट्रांसजेंडर में एक मानवी मधु कश्यप भी है। मानवी मधु कश्यप बिहार के बांका जिले के एक छोटे से गांव पंजवारा की रहने वाली है, जिन्होंने लंबे संघर्ष के बाद ये मुकाम हासिल किया है। लोगों की प्रताड़ना के कारण मानवी को साल 2014 में अपना घर छोड़कर निकलना पड़ा। सामाजिक स्तर पर तमाम परेशानियों को झेलते हुए और दरोगा बनने की चाह में मानवी 2022 में पटना पहुंची। यहां भी इनकी परेशानी कम नहीं रही। वो कहती हैं कि कोई अपनी कोचिंग में जगह देने के लिए तैयार नहीं था। आखिर में गुरु रहमान के पास पहुंची और उन्होंने इनका हौसला बढ़ाया। गुरु रहमान ने मानवी के साथ 2 अन्य ट्रांसजेंडरों को भी दरोगा की परीक्षा पास करवाने में पूरी मदद की। मानवी मधु कश्यप अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता के साथ साथ गुरु रहमान को भी देती हैं, जिनकी मदद के बदौलत आज वो अपने सपने को पूरा कर पाई हैं। उनका कहना है कि ट्रांसजेंडर का जीवन आसान नहीं होता, लेकिन इन सभी लोगों ने हमेशा मेरा हौसला बढ़ाया। मानवी ने सीएम नीतीश कुमार को भी धन्यवाद दिया है। हालांकि ट्रांसजेंडर के लिए 5 पद आरक्षित थे, लेकिन 3 योग्य उम्मीदवार ही मिल पाए। बाकी बची हुई 2 सीटों को सामान्य श्रेणी में शामिल कर दिया गया है। मीडिया से बातचीत के दौरान मानवी मधु कश्यप ने बताया कि शुरू से बहुत चैलेंजिंग रहा इस पद को पाना। शुरू से समाज के द्वारा ट्रांसजेंडरों को इग्नोर किया जाता है, लेकिन नीतीश कुमार ने पहली बार 5 ट्रांसजेंडरों को मौका दिया, जिसके कारण मुझे ये उपलब्धि मिल पाई है। मानवी मधु कश्यप ने पॉलिटिकल साइंस से बीए ऑनर्स किया है। मधु दरोगा की तैयारी के लिए 5 से 6 घंटे तक नियमित पढ़ाई करती थी। काफी परेशानी का सामना करते हुए उनके साहस ने उन्हें इस मुकाम तक पहुंचा दिया। मानवी के पिता इस दुनिया में नहीं है, माँ है जो मानवी के साथ हमेशा खड़ी रहती हैं। अब गांव जाकर वह अपनी माँ को वर्दी में सैल्यूट करना चाहती हैं। मानवी का कहना है कि वह दरोगा बनकर अपने समाज के लोगों की सामाजिक स्थिति में सुधार लाने का काम करेंगी। उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर भी ईश्वर की ही देन है और उन्हें अलग तरह से देखना सही नहीं है। ट्रांसजेंडर के प्रति समाज में गलत रवैये को देखकर मनु का मन विचलित तो हो उठता था। वो दरोगा बनकर अब अपने समाज के लोगों को भी इज्जत दिलाना चाहती है और समाज में ट्रांसजेंडर के प्रति लोगों के व्यवहार को बदलना चाहती है। अगर आप लोग उनको अच्छा मौका देते, आप लोग उनको काम देते, आप लोग उनको शिक्षा देते, तो आज अशिक्षित नहीं होते, क्योंकि उनको घर से निकाल दिया गया। टीनेज में उनको घर से बाहर कर दिया गया, तो उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा
भीख मांगने के अलावा, गाड़ी लूटने के अलावा, गाड़ी के सामने खड़े रहने के अलावा, क्योंकि उन्होंने ना शिक्षा हासिल कर पाए, ना अच्छे इंसान बन पाए, ना संस्कार हासिल कर पाए, तो मजबूरी में वो करेंगे क्या? तो वो तो उनकी लाइफ है, लेकिन मेरे को अगर मेरे माँ पापा हमारे को साथ दिए, हमारे को गुरु जन का साथ रहा, हमारे को आदम्य आदित्य गुरुकुल एकेडमी का साथ रहा, रेशमा मैम का रहा, सुल्तान सर का रहा, प्रतीक सर का रहा, इंद्रेश सर का रहा, तो मैं कहीं ना कहीं आज यहाँ आके बैठ पाई हूँ। फिर उनके लिए मैं तो ये कहूँगी, उनके लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी, क्योंकि उनके लिए आप लोग करिएगा जो करिएगा, समाज आप लोग महिला और पुरुष से बनता है मिलके, हम इस समाज के हिस्सा हैं। पर आज इतना दिन लग गया, इतने आज़ादी को इतने साल बाद हमारे को ये हिस्सा मिल रहा है, इसके लिए मैं खुश हूँ। तो बस यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी उन लोग से कि थोड़ा आप लोग भी समझिए, और आप लोग भी थोड़ा समझिए, ये नहीं कि सारा थोप दिए कि नहीं वो लोग ऐसे करते, वो लोग, अरे वो लोग बदलने को तैयार हैं, आप एक बार तो हाथ बढ़ाइए, बोले तो आप एक बार हाथ बढ़ाएंगे, हम पूरा मतलब बोले ना हम सारी मतलब जितनी है हमारे को, हम सारा शक्ति लगा देंगे खुद को बदलना होता है। सपना देखने का हक मुझे भी है, लेकिन आज मतलब ये दुख भरी बात है कि 77 साल बाद मुझे ये सपना देखने का हक मिला, देश आज़ादी का, आज हमारे को थोड़ा सा मतलब आज़ादी मिली है, सही मायने में गुरु जी ने बोले कि आज़ादी मिली है, तो आज सही मायने में थोड़ी सी आज़ादी अभी मिली है आदरणीय मुख्यमंत्री साहब से, सुप्रीम कोर्ट से और उच्चतम न्यायालय से। मैं बस रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जितनी आज़ादी आप थोड़ी सी दी, उनमें ट्रांसजेंडर बहुत खुश हैं और हमारी कम्युनिटी वाकई बहुत खुश है और अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही है। तो मैं चाहूँगी कि आप ऐसे मौका हर एक सेक्टर में दें, क्योंकि अब आप अवेयरनेस काफ़ी आ चुकी है और ट्रांस लोग पढ़ते हैं आके, हमारे गुरुजी के यहाँ भी 26 राइट नाउ क्लास कर रहे हैं और अभी अपकमिंग में 46 आ रहे हैं देने के लिए, तो वो लोग कहीं ना कहीं पढ़ रहे हैं ना। तो इस तरह मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप उनको आगे लाइए, उनको सोसाइटी में मेन स्ट्रीम में जोड़िए, क्योंकि आप उनको आप